हेलो दोस्तों, आज कोरोना क्राइसिस में इतने ज़्यादा मरीज आ रहे हैं कि जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, जितने भी कोविड सेंटर थे, सब फुल हो चुके हैं। आप लोगों को जो भी कोविड पेशेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन की किल्लत तो है ही है। तो इन केसेस में पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको होम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो होम ट्रीटमेंट के लिए दो इक्विपमेंट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो है पल्स ऑक्सीमीटर और एक है थर्मोमीटर। और दो इक्विपमेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप घर में इलाज कर रहे हो, क्योंकि इसका जो काम है हर 4-5 घंटे में, 2 घंटे में लगता ही लगता है। तो आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर बाई करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात करूँगा और दिखाऊंगा। मेरे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर है, उसके बारे में बताऊंगा, उसका रीडिंग कैसे लेते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, वो सब बताऊंगा आपको। दोस्तों, एक पल्स ऑक्सीमीटर लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पे उंगली में लगाया जाता है, आपने क्लिनिक भी बहुत सब बार देखा होगा। और तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसका जो प्राइस है, दाम है, आपको 700 से ले के 2000, 2500, 1500 में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। तो आप अपने रेंज के हिसाब से, अपनी अहमियत के हिसाब से, अपनी जो भी आपकी बचत है पैसे की, उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। मार्केट में 700 से लेके 1500 तक, 2000-2500 तक ऐसे नॉर्मली मिल जाएंगे, जो कि ठीक ठाक काम करते हैं। दोस्तों, मैं खोल के दिखा देता हूँ इसको। ये ऐसा दिखता है और मैंने इसमें बैटरी पहले से ही लगा लिया है, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने में बैटरी लगाने का, वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, कुछ इसको करना नहीं है, आपको इसमें क्लिप जैसा बटन दिया है, इसको इधर उंगली में लगाना है और ये बटन जो है यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। उसके बाद कुछ मिनट तक रखने देना है, फिर अपने आप इसका रीडिंग होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जो नीचे का रीडिंग ऐसे ऐसे आ रहा है, अगर वो आ रहा है बराबर पल्स ऑक्सीमीटर में, तो समझ लेना कि ये ओरिजिनल पल्स ऑक्सीमीटर है। अगर वो नीचे का रीडिंग ऐसे ऐसे नहीं आ रहा है, जिकजैक पोजीशन में, तो ये रीडिंग, ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हो रीडिंग बता दिए इसने एक मिनट में ही 97/80, जो कि नॉर्मल है। अगर आपका ऑक्सीजन जो है वो 96 से अबव है, तो आपका जो ऑक्सीजन है आपके शरीर में वो बिल्कुल ठीक है, आप कोविड से जल्दी ही ठीक हो जाओगे अगर आपको कोविड होगा। और जो पल्स है, पल्स मतलब हार्ट रेट, ये मशीन जो है दोस्तों एक ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करती है, दूसरा पल्स चेक करती है, पल्स को हार्ट रेट बोलते हैं, हार्ट रेट चेक करती है। तो अगर आपका नॉर्मली 97 और रहा तो आपका ठीक है, 97 से 96 तक रहा या उसके ऊपर रहा तो ठीक है, और जो पल्स है वो 72 से लेके 80 तक रहना चाहिए तो ठीक है। तो नॉर्मली मैं एक बार फिर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ। उंगली डालना है और आप देख रहे होगे नीचे जिक जैक की लाइन आ जा रही है ऐसे ऐसे करके, अगर ऐसी लाइन आ रही है तो समझो ओरिजिनल है। और एक मिनट में इसका रिजल्ट भी बता देता है, जैसे कि 97/75 आप देख सकते हो, इधर इसमें क्लियरली दिख रहा है 97/80। दोस्तों, एक चीज़ तो ये हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर कैसे रहता है आपको दिखा दिया ऐसा है। और इधर पीछे आप देख सकते हो तो बैटरी लगती है, यहाँ पे बैटरी लगती है, मैंने पहले ही लगा दिया था। और दूसरी बात, अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक कर रहे हो, अगर आप कोविड पेशेंट हो, घर पे इलाज ले रहे हो, तो अगर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 92-93 से नीचे है, तो उस केसेस में क्या करना है, आपको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट जाने के बाद क्या करना है, आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है और सांस लेना है, गहरी सांस लेना है। ये एक्सरसाइज 2 से 3 मिनट करते रहना है, हर 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे, आपको जैसे टाइम मिल पाए। ये बहुत कारगर साबित हुआ है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आप पेट के बल से सो जाने से, और उसके बाद आप जब ये एक्सरसाइज करते हो तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो आप, अगर आप कोई लोग भी कोविड पेशेंट हो, आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आप ये बिल्कुल ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा है और इसका रिजल्ट भी बहुत आ रहा है। दोस्तों, आज इसके रिगार्डिंग ही मैं बात करने वाला था,
कि क्या क्या चीज़ होता है। और घर पे अगर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको दो इक्विपमेंट पड़ेगा, एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक थर्मोमीटर जो फीवर चेक करता है। तो मोस्टली ज़्यादा केसेस तो इसका ही काम है, फीवर का तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका ही है। और इसमें पल्स चेक करते हैं और ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में बता दिया कि क्या क्या है। और अगर आप बाई करना चाहते हो तो आपको कोई भी ऑनलाइन कोई भी, अभी तो कोरोना केसेस में लॉकडाउन है, फिर भी आपको मेडिकल पे मिल जाएगा, नहीं भी मिल रहा है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।